नमस्कार साथियों, आज देखिए पुनः हम गौशाला पहुंचे हैं, बिलवई रोड वाली त्रिपाठी जी की गौशाला। और आज हमारा आने का मकसद था कि हमारे एक साथी हैं, फौजी साथी आशीष द्विवेदी, और वो आए हुए हैं अपने बड़े भाई साहब के साथ, और वो माता जी के श्राद्ध के लिए छुट्टी लेके आए हैं, और वो गौशाला में भी गायों को खिलाना चाहते हैं, तो इसलिए हम आए हैं। आइए मिलवाते हैं उनसे और दिखाते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है भाई आपके? बस बढ़िया। आज जो है गौशाला का अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया आपका? माता जी की श्राद्ध थी, दिल में ऐसा भाव आया कि श्राद्ध में माता जी के जा करके गौ सेवा किया जाए और जा करके गौ माता को कुछ खिलाए पिलाए, तो गौ माता को खिलाने के लिए भूसा लाए है। हाँ देखिए भूसा लाए हैं, ये भूसा भूसा है, और देखिए पूड़ी बूंदी तमाम दाना बूंदी घास, बिल्कुल, और देखिए घास भी लाए हैं। तो ये इनका मकसद था कि चल के जो है गौ माताओं की सेवा की जाए, कुछ उनके लिए भी श्राद्ध तभी इनका पूर्ण होगा। ये देखिए इनके बड़े भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार, आप जो है क्या नाम है आपका पूरा? दिलीप द्विवेदी। अच्छा दिलीप जी, आप कहाँ रहते हैं? बड़ौदा? मैं बड़ौदा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ है, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। अच्छा, ओलंपिक फार्मास्यूटिकल। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज 120 साल पुरानी कंपनी। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, तो गौशाला आने का विचार कैसे बन गया आपका? बस माता जी का श्राद्ध था, उसमें ये रहता है कि गौ सेवा हो जाए, जो अपने असहाय लोग हैं उनकी मदद हो जाए। जी जी जी, गौ और ये तो गौ सेवा विशेष रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए आज आना हुआ, इसी उपलक्ष में आना हुआ। चलिए चलिए, तो चलिए बहुत अच्छा है, आज आपको जाना भी है तो आपने समय निकाल के गौशाला आना जो है बहुत जरूरी समझा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप समय निकाल के आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लीजिए खोल के, हाँ खोल के डालिए, ले आइए। ये देखिए शुरुआत हो रही है, त्रिपाठी जी भी है, ये पूड़ी भी डाल दीजिए सब। हाँ एक 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 एक, एक। हाँ सबको डाल दीजिए आराम से, आइए देखिए। हाँ ये देखिए, हाँ सबको एक एक दे दीजिए, एक एक सबको दे दीजिए तो खा लेंगे वो। बिल्कुल हाँ, एक दे दीजिए इनको, हाँ और हाँ ये दीजिए उसको, सामने वाली दे दीजिए सबको एक एक। सबको पूड़ी खिलाई जा रही है और बूंदी, बूंदी वहीं डाल दीजिएगा। आइए और आगे आइए, ये देखिए त्रिपाठी जी आइए, थोड़ी नाम बताइए गायों के। हाँ इनके सबके नाम हैं, हाँ कौन सा किसका क्या नाम है लाइए देखिए। चलिए हाँ इस इधर इनको दीजिए पहले माता जी को। बिल्कुल क्या बात है, हाँ आइए हो गया त्रिपाठी, नाम बताते चलिए गायों के तो और अच्छा है। आइए आप भी आ जाइए, आ जाइए एक को आप दोनों, आइए आइए लीजिए। हाँ एक एक हो गया, एक उसको दे दीजिए उस साइड। हाँ चलिए, हाँ चलिए अब दोनों, एक मिनट आशीष जी इसी को पकड़ो, पहले पूड़ी खिला दो एक एक। हाँ हाँ एक एक करके इसमें आइए, पहले पूड़ी खिला दीजिए। नाम बताते चलिए त्रिपाठी जी इनके। अच्छा ये लक्ष्मी है, ठीक है, और वो बगल वाली सामने वाली नर्मदा। अच्छा नर्मदा, श्यामा। अच्छा ये कौन सी है, इनका क्या नाम है? ये चंपा है बगल में। अच्छा चंपा है, देखिए सभी गायों के नाम इधर रखे हुए हैं, और सभी हो गया सबके। हाँ बूंदी बिल्कुल यहीं से डाल दी, यहीं से। हाँ जरूर आपको थोड़ा सा, हाँ बस आशीष जी, हाँ आप एक जने पकड़ लीजिए और एक जने डालिए तो वो अच्छा रहेगा। दीप त्रिपाठी जी भूसा भी डाल दे रहे, बिल्कुल खिला दीजिए सबको। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बूंदी थोड़ा फैला दीजिए उसी में, और क्या तो उसमें फैला दीजिए तो सब खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हो गया हो गया। अच्छा हाँ वो रह गई एक, वो वाली रह गई है उस तरफ, हाँ उसको डाल दीजिए, हाँ उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको दीजिए, वो रह गई एक। क्या नाम है उनका त्रिपाठी जी? जमुना, जमुना रह गई हैं।
जमुना जी रह गई हैं। चलिए बची हो गए तो इस तरफ डाल दीजिए, इस साइड हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ इसमें इसमें इनको खिलाइए। हाँ हाँ डाल दीजिए डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा सबको बिल्कुल। आज गाय गौ माता भी सोच रही होंगी आज सुबह सुबह पूड़ी खाने को मिल रही है, बूंदी खाने को मिल रही है। देखिए देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूड़ी और बूंदी, क्या बात है, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो भूसा आज टेस्ट बदल जाएगा इन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो। बस बस बस, आराम से आराम से। हाँ बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया। हो गया, बचा कुछ? चलो कागज हटा दीजिए। बिल्कुल। इसका क्या नाम है त्रिपाठी जी, इसका क्या नाम है? गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी की मसाज हो रही है, क्या बात, इतना अच्छा नाम। बिल्कुल गोदावरी, गोदावरी, ये सब नदियों के नाम सारे रख दिए हैं त्रिपाठी जी ने, क्या बात है। ले लो डाल दीजिए, आशीष डाल दो सब बीच में। हाँ थोड़ा इकट्ठा नहीं, इकट्ठा नहीं, हाँ फैला के, इकट्ठा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सब हो गई। अब दलिया बाहर ले चलो, दलिया उठा लो बाहर अंदर फिर। हाँ चलिए, घास हो गया, घास हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई हो गई, सब कुछ। चलिए सब हो गया, जय हो, बहुत बढ़िया। गाय है इनको भी इधर अंदर सबको, हाँ खोल के डाल दिए, खोल के ऐसे नहीं खा पाएंगे वो। हाँ खोल के डाल दीजिए, हाँ खोल के डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो गौ माता। चलो बिल्कुल हो गया, बस खा रही हैं वो, जय हो। क्या बात है, क्या नाम है इनके त्रिपाठी दोनों के? ये सरस्वती है। अच्छा सरस्वती है जी। हाँ और दूसरी गंगा है। गंगा, ये कहते हैं गाय के शरीर पे उसके पीठ पे हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर वो होता है, अच्छा गर्दन के आगे जी, अच्छा इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है लोगों का। आप अगर किसी का बीपी जो है हाँ 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 पढ़ा हो, हाँ तो नीचे की ओर करें, और किसी अच्छा घटा तो ऊपर की ओर करें, अच्छा समान हो जाएगा। अच्छा कैसे नीचे, समझे नहीं हम, किसी गाय को जो है अच्छा बीपी लो है, अच्छा बीपी लो है तो आप जो है ये गर्दन है, हाँ हाँ गर्दन ऊपर की ओर करिए, अच्छा ऊपर की ओर करिए, अच्छा हाँ आपको समान हो जाएगा, अच्छा जो है बढ़ा है तो नीचे की ओर करें, अच्छा बढ़ा है तो नीचे की ओर हाथ फेरें, और अगर कम है तो ऊपर की ओर। हाँ ये असल पे सुना है कि काउ थेरेपी इस तरह की होती है, क्यों अमेरिका में तो इसका जो है, इसमें पैसा लगता है बताते, डॉलर जो है इसका, हाँ चुम्मा चाटी में जो है आप, अच्छा आधे घंटे के हिसाब से उन्होंने कुछ डॉलर लेते हैं, अच्छा डॉलर लेते हैं। हाँ 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 चलिए, और बचा है चारा, चलो बाहर डाल दीजिए, चलिए बाहर सूखा डाल रहा है देखिए। हाँ हाँ भूसा भी लाए हैं, सानी बना, तीन चीज चार चीज एक साथ लाए हैं, चलो अच्छा है बहुत। तो देखिए एक नई जानकारी हमको मिली, मसाला आने पे एक नई जानकारी आज हम लोगों को मिली है। भाई साहब नई जानकारी मिली, ब्लड प्रेशर वाली, क्वाइट गुड फॉर मेडिकल, आप तो मेडिकल लाइफ के आदमी हैं कि भाई ब्लड प्रेशर आजकल बड़ी समस्या है लोगों की, तो उसमें आके गाय को जो है आप उसकी गर्दन को सहलाइए, यदि ब्लड प्रेशर आपका लो है तो गाय का तो जो अप साइड करना है, हाँ तो जो अगर डाउन की ओर, हाँ ऊपर हायर है तो डाउनवर्ड्स करना है। हाँ बहुत बढ़िया, ये देखिए अच्छा नई जानकारी मिली है, एलोपैथी से दूर रहे और काउ थेरेपी करें। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स क्वाइट गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए भूसा वूसा भी सब रख दिया गया है, आज गाय सब खुश है। हाँ त्रिपाठी जी बताइए, आज देखिए आशीष जी आए हैं, इनका स्वागत करिए आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा आने के लिए। हाँ ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और बिल्कुल लोग मिलते जाएंगे जी, और एक दिन इतने होंगे आने वाले, जब भी कोई भी अच्छा गौ सेवक तो सबसे पहले गौ सेवक के पास जरूर आना चाहिए, कि आपको टाइम देने के लिए भी लगेगा कि भाई आज नहीं आप कल आए जी जी, यहाँ से एक अच्छा शुरुआत होगा। बिल्कुल नहीं, सबसे खास बात यह है कि पूरा श्राद्ध निकल जा रहा है, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 15 दिन का पीरियड था लेकिन गौशाला अभी तक कोई नहीं आया था, आप लोग सबसे पहले आए, प्रथम कड़ी आपकी। हाँ गौ माता की जय, भारत माता की जय।
बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल और हम बाकी लोगों से निवेदन करेंगे बिल्कुल वो भी श्राद्ध में जो ब्राह्मणों के भोजन के बाद जो भी भोजन बचता है जी जी जो भी सामग्री बचती है राशन सामग्री बचती है वो गोदान करें और गौ सेवा में लगाएं बिल्कुल जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो बचेगा बिल्कुल गौ माता के पेट में जाएगा तो उससे भी एक पुण्य होगा बिल्कुल 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 सही बात है। इंस्टेड ऑफ हम उसको कचरे में डालें बेटर है कि हम गौशाला में दान करें और गौ माता के सेवा में उस बिल्कुल उससे पुण्य भी पुण्य भी मिलेगा और वो भी मिलेगा और वेस्टेज ऑफ वेस्टेज बिल्कुल जो है वो बचेगा बिल्कुल और गंदगी भी नहीं होगी और इनका भला होगा और एक भारत स्वच्छ भारत रहेगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए।